गुजरात के वन विभाग द्वारा चंदन तस्करी के आरोपी को कटनी से गिरफ्तार करने के बाद तस्कर गिरोह की पारधी समुदाय से जुड़े होने की बात सामने आई है। पकड़े गए आरोपियों के फोन कॉल CDR लोकेशन के आधार पर चंदन तस्करी के मास्टरमाइंड आरोपी जोगिंदर पारधी को बड़वारा से धर दबोचा गया है। कटनी के चंदन तस्करों की फोन कॉल CDR लोकेशन के आधार पर तस्करों का पता चला था, जिसके बाद तस्करों को धर दबोचने की योजना बनाई गई थी और टॉवर लोकेशन के आधार पर आरोपियों को विलायत कला से गिरफ्तार किया गया। गुजरात वन विभाग की टीम ने तस्कर जोगिंदर की शिनाख्त कराई। आरोपी सही पाए जाने पर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। आपको बता दें कि ये आरोपी गुजरात गिर नेशनल पार्क में चंदन की तस्करी करते हैं, जहां पर बब्बर शेर भी पाए जाते हैं। वन विभाग के अफसरों ने बताया कि गुजरात के गिर स्थित जंगल में चंदन की तस्करी करने वाले गिरोह में 25 से 30 लोगों का ग्रुप है और जोगिंदर उन सबका मास्टरमाइंड है। गिर नेशनल पार्क के DFO साहब का हमें फोन आया था, मोहन राम सर, उनका फोन आया था कि उन्होंने करीबन 10 से 15 लोगों को पकड़ा है जो कटनी से ही बिलोंग करते हैं और उन्होंने कई सारे चंदन के पेड़ों को काटा है। पहले भी वो गिर नेशनल पार्क में कई सारी इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे थे। उन्होंने बताया कि उन सबकी अरेस्ट से जस्ट पहले एक बंदे से कंटिन्यूसली बात हो रही थी, उसका उन्होंने हमें फ़ोन नंबर भेजा था और उन्होंने अपनी टीम को गुजरात से रवाना भी कर दिया था, जिसमें वहाँ के SDO साहब, फॉरेस्ट रेंजर, वो लोग आए हुए थे। कटनी SP साहब को बताया कि सर ऐसे एक ये अपराधी है जिसको बताया जा रहा है कि ये मास्टरमाइंड है और उन सब गतिविधियों में इन्वॉल्व है जो वहाँ पे फॉरेस्ट के क्राइम्स हो रहे हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।